द्वारा भारतीय सैनिकों पर योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमले में भारतीय जवानों के शहीद होने पर जहां देश के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष भी चीन की कायराना हरकत की निंदा कर रहे हैं। वास्तव में ये चाइना की विस्तारवादी नीति रही है और पिछले 20 से 30 सालों में चाइना ने धीरे धीरे एकाधिकार हमारे देश की बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग नीति कर लिया है। बहुत सा सामान जो भारत में प्रोड्यूस हो सकता था, जो मैन्युफैक्चर हो सकता था, किन्हीं न किन्हीं कारणों से आज चाइना से आ रहा है। और आज जब हम देख रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार कर रहा है, तो अभी जो कल की घटना है वास्तव में ये तो बहुत ही दुखी करने वाली है। और आज हमारे देश के सभी लोगों में ये भाव पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमें चाइना के इन प्रोडक्ट का बहिष्कार करके चाइना को झटका देना पड़ेगा। तो चाइना अपने आप को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के लिए हमारे भारत का उपयोग कर रहा है, भारत की मार्केट का उपयोग कर रहा है। तो इसमें दो बातें आती हैं, एक तो हम एज ए नागरिक, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम चाइना में प्रोड्यूस होने वाले सामान का बहिष्कार करें। जैसे हमारे विचार प्रवास संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा, हमारे मोदी जी ने भी कहा, वोकल पर लोकल, लोकल पर वोकल, अर्थात अपने ही सामान को हमें खरीदना है, उसकी गुणवत्ता बढ़ानी है, उसकी मार्केटिंग करनी है। तो हम सभी नागरिकों को अपने मन में विचार लाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा महंगा खरीदना पड़े और हमें ये अपने लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का हम लोग सामान ही बना सकें जिससे हम चाइना का सामान ना खरीदें। और दूसरा, जैसा सरकार की नीति है भी, सरकार को अपनी नीतियों के बारे में और सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के कंपटीशन में टिक सकें। आज चाइना ने कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर, श्रम को सस्ता करके कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बनाया है कि चाइना में यहाँ होने वाली 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में पैदा होती है और हमारा जो व्यवसायी है उसके सामने टिक नहीं पाता। ये वास्तव में बहुत बड़ी एक लड़ाई है और हम सबको मिलकर अगर इस देश को बचाना है तो हम सबको लड़ना पड़ेगा, वरना जो चाइना की साम्राज्यवादी नीति है, आज हमारे सारे पड़ोसियों को उसने खरीद लिया है, भारत को ही आगे बढ़कर हम सब लोगों को मिलकर उसे सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको मैं अपने बिल्कुल नमन आँखों से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके परिवार को पूरी सहानुभूति इस बात की कि ईश्वर उनको ये बहुत बड़ा जो दुख है वो सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि इस मामले में पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है और विपक्ष भी इस बात को कहता है। हम कांग्रेस पार्टी के हमारे समस्त वरिष्ठ नेता सामान्य श्री राहुल गांधी जी भी इस बात के लिए, श्री प्रीतम सिंह जी भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि हम लोग सरकार के साथ हैं, किंतु सरकार को अपना दायित्व का निर्वहन करना होगा। सरकार को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। यदि हम इस प्रकार से दबकर कार्य करेंगे, चुप रहकर कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप की जो हमारी एक छवि है, हिंदुस्तान की जो एक छवि है, जो सेना की छवि है, जो सेना में लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए हमें जो एक श्रद्धांजलि देने का समय है, तो सही श्रद्धांजलि उनको ये देनी होगी कि हम चीन का मुंह तोड़ जवाब दें, बदला लें और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन शहीद के जवानों को श्रद्धांजलि हम बदला लेकर और चीन के सैनिकों का उसी तरीके से जिस प्रकार से हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन चीनों को मारकर बदला लेकर हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएं।